कश्मीर के पुंछ जिले के गांव छजला में स्थित राम कुंड नाम से प्रसिद्ध भव्य मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इस भव्य मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर एक ही शिला से बना हुआ है और इसके समक्ष तीन कुंड हैं, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण हजारों वर्ष पहले उस समय हुआ जब पांडव वनवास के समय यहाँ पर आए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर जल की कमी है और अर्जुन ने जमीन पर बाण मारकर यहाँ से जल उत्पन्न किया था। इस तीर्थ स्थान को सैकड़ों वर्षों से लोग मानते आ रहे हैं। इस स्थान के साथ लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। श्रद्धालुओं का मानना है कि राम कुंड मंदिर में जो कोई श्रद्धालु आता है वे मुंह मांगा फल पाता है। आज से कुछ वर्ष पहले इस इलाके में आतंकी गतिविधियां बहुत थी, जहां आए दिन कोई न कोई घटना घटित होती थी। आतंकियों का प्रयास था कि इस मंदिर को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन कभी ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जम्मू से राही कपूर की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। ये जो जैसे सब पता है कि ये एक ऐतिहासिक मंदिर है राम कुंड, जो सीधे बॉर्डर एरिया से ये अटैच है। यहाँ राम कुंड की जो नई टीम बनी है, इसके सदस्यों ने और वीएसपी बजरंग दल की टीम ने मिलकर ये पिछले तकरीबन एक महीने से इस काम में लगे हुए हैं। जो इस भव्य कार्यक्रम जो आप आज देख रहे हो, उसका नतीजा आज इनकी मेहनत जो है ये रंग ला रही है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, सैकड़ों सालों से ये जो है ये श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और इस जगह की जो मान्यता है ये हरिद्वार पवित्र स्नान की मान्यता के बराबर जो है वो मानी जाती है। और यहाँ जितने भी बंदोबस्त हैं, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने भरपूर साथ दिया है और यहाँ के लोगों का जो बढ़ चढ़ कर के यहाँ पे हिस्सा लिया है, जो रजौरी, पूंछ, जम्मू, सुंदरबनी और हर एरिया से यहाँ लोग आए हैं। और मैं इस राम कुंड की जो कमेटी है इसकी तरफ से, वीएसपी बजरंग दल की तरफ से, मैं आप सब यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ मैं सानू शर्मा जी, जो हमारी इस कमेटी के प्रधान हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी रेख देख में ये जो पूरी टीम जो है ये काम कर रही है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जान फूंक दी है इस काम में। और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री निशु गुप्ता जी हैं, इन्होंने जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करने में वो हमारे बिल्कुल शाना बशाना रहे। मैं इनके लिए, इसके लिए भी उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। मैं बताएं, ये राम कुंड जी पूरे भारत में, जितना भी हमारे भारत में तीर्थ स्थल में, उनमें से एक है। जम्मू कश्मीर के मेंडल तहसील पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल सन्मुख है और यहाँ पर आज चौथा दिन के दिन जो लोग स्नान करते हैं उनका गंगा हरिद्वार का फल, प्रयागराज का फल और अयोध्या का फल, समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है यहाँ आने पर। जो लोग, जो भी जीव यहाँ पर स्थान, बड़े हनुमान मंदिर से युगों से प्रथा है, हनुमान मंदिर से छड़ी आती है, जो यहाँ पांडवों का बनाया हुआ मंदिर है वहाँ पर छड़ी को रखा जाता है और श्री रामचरितमानस का पाठ होता है और तीन दिन तक यहाँ मेला चलता है, जिससे सभी लोगों का कल्याण होता है और मन इच्छित फल प्राप्त होते हैं। भारत को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर मेंडल तहसील पाकिस्तान बॉर्डर पर ये हमारा एक प्रमुख तीर्थ है। यहाँ पर मात्र दर्शन करने से इंसान के समस्त दुख दूर हो जाएंगे कि समस्त जीवों को कि एक बार जम्मू कश्मीर में पुंछ जिला मेंडल तहसील यहाँ आकर के राम कुंड में एक बार स्नान करें और समस्त फल को प्राप्त करें। हमने यहाँ पे ये मंदिर है जो बहुत पुराना मंदिर है, ये प्रोग्राम कल से चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान का भाईचारा बहुत अच्छा है। यहाँ पे मुसलमान आबादी होने के बावजूद भी हमारे हिंदू लोगों को बहुत कॉपरेट करते हैं मुसलमान लोग। हम मुसलमान लोगों का भी, हिंदू लोगों का खासकर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें भी ये इन्वाइट करते हैं, हम भी आते हैं शाना शाना इनके पास।
पास काम में साथ इनका देते हैं हम। आज दूसरा दिन ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे मिलिटेंसी की दौर से ये काम चल रहा है, यहाँ पे बहुत मिलिटेंसी हुई उस दौर से ये काम चल रहा है। यहाँ पे हिंदू लोगों की हम बहुत गुजार रहे हैं, हमें यहाँ पे बुला के ये प्रोग्राम करते हैं, हम इनका साथ देते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से इनको कोई भी काम होगा हम इनके साथ, निशाना पिछाना इनके साथ। हम कोशिश करते हैं कि मंदिर जो छजला गांव में, इसको डेवलपमेंट के लिए मैं गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट का काम भी देखा जाए। हमारे लोग आते हैं यहाँ पर, थोड़ी दिक्कत भी होती है। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से, खासकर SDM साहब, DSP साहब, HSSO साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पूरे मेंढर की जो आवाम है उसको बिना मजमू मिले तो मुबारकबाद देता हूँ कि चैत्र चौदिश वाले दिन आज यहाँ पे रामकुंड में इतना बड़ा मेला लगा है। ये बिल्कुल बॉर्डर का एरिया, आप देख रहे हो इस समय हालात कितने ख़राब हैं, उसके बावजूद भी यहाँ जो हमारी यहाँ मैनेजमेंट कमेटी है, विशुद्ध परिषद बजरंग दल की जो टीम है, उन्होंने कितने भव्य पैमाने पर यहाँ पे इंतज़ाम किए हैं। और जितने भी श्रद्धालु पूरे जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आए हुए हैं उनका कितनी अच्छी तरह से उन्होंने स्वागत किया, उनके रहने की, खाने पीने की जो व्यवस्था की। ये कल से इनके प्रोग्राम चल रहे हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही आगे का काम करते रहेंगे। और प्रशासन से हम ये इतना कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो यहाँ जो रोड की हालत देख लो, रोड की हालत बहुत ही खस्ता है। ये रामकुंड बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है, इसकी रोड ठीक की जाए। और साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है आजकल नेटवर्क की, यहाँ हम चाहते हैं कि अगली बार जब यहाँ पे आए यहाँ नेटवर्क होना चाहिए, यहाँ पे टावर लगा होना चाहिए। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इलाके में हैं जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल सीमा के साथ चला हुआ इलाका है, रामकुंड मंदिर। आपको बता दें कि ये रामकुंड मंदिर जो है एक बहुत ही बड़ा इतिहास, हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है। और दैनिक सवेरा जो है फर्स्ट ऐसा टीवी चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है। आपको बता दें कि मेरे बाईं तरफ अगर देखें तो यहाँ पर ये राम जी का कुंड है और यहाँ पर जो है लोग स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो कुंड है, बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करना और यहाँ पे स्नान करना एक बराबर है। अगर मेरे ऊपर आप देखेंगे तो ये एक ही शिला का मंदिर है जो सामने दिख रहा है और लोगों की कतारें लगी हुई है हनुमान जी के दर्शन करने को। ये हजारों वर्ष पुराना पांडवों के टाइम का जो है ये मंदिर बनाया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर केवल हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग जो है यहाँ पर आस्था रखते हैं। कहा जाता है कि अगर गंगा में जो लोग स्नान करते हैं यहाँ पर स्नान करना एक बराबर है। हालांकि इससे पहले एक समय ऐसा था कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ जो है काफी स्लो थी, और उसके बावजूद भी यहाँ हिंदू मुस्लिम का भाईचारा होने के बावजूद भी आज ये मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित है। और आप देख सकते हैं कि ये हिंदू की आस्था का प्रतीक है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ राही कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, रामकोट, मेंढर, जम्मू।